तो दोस्तों स्वागत है आपका फ्लैट के अंदर। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा लग्जरी से हमारा ये फ्लैट रेडी हुआ है। अभी जो हम खड़े अपने ड्राइंग रूम में खड़े हैं, आप देखेंगे सामने जो पूरा इसमें एल शेप का आपका सोफा आ जाएगा, काफी बड़ा सा स्पेस मिल जाता है। दोस्तों सामने की ओर में बात करो तो आप देखेंगे बहुत ही बड़ा सा आपको एलईडी पैनल मिल जाता है, जहाँ लगभग लगभग आपका 65 इंच का टीवी स्टोर आराम से हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको ले जाना चाहूंगा ऊपर अपने फॉल सीलिंग पे। फॉल सीलिंग का डिजाइन आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारा सा फॉल सीलिंग का डिजाइन हुआ है। सारी इसमें एलईडी लाइट्स भी यूज की गई है, ब्रांडेड साइज में लाइट यूज की गई है। बीच में आप देखेंगे आपको प्यारा सा एक बड़ा सा झूमर मिल जाता है, बहुत ही लग्जरी झूमर लग रहा है दोस्तों। इसके बाद आपको मैं दिखाना चाहूंगा हमारी टाइल्स। टाइल्स की बात करूँ तो उसके अंदर 2x4 की ग्रेटेड टाइल्स लगी है, बहुत ही लग्जरी सी प्यारी सी टाइल्स के अंदर लगी है। एलईडी पैनल के ठीक अपोजिट साइड आप देखेंगे तो आपको मिल जाता है प्यारा सा वॉलपेपर, और ऊपर मिल जाती है आपको एसी की फिटिंग। आपने कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, एसी की फिटिंग आपको हम लोग पहले से करा के दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा हमारा ड्राइंग रूम है, इसका साइज जो है काफी बड़ा है। अब मैं आपको दोस्तों ले जाना चाहूंगा अपने किचन की ओर। दोस्तों स्वागत है आपका किचन में। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इसका किचन रेडी हुआ है, बहुत ही स्पेशियस में किचन आपको रेडी करके हम दे रहे हैं। ऊपर स्लैब की बात करो तो व्हाइट कलर का इसमें स्लैब लगा हुआ है, ऊपर मिरर से वर्क किया गया है इसके ड्रॉर का। आप देख सकते हैं ड्रॉर के सारे वर्क हो रखा है ऊपर तक। इसके अंदर आप अपने जरूरत का सारा सामान रख सकते हैं, किचन के सारे आइटम रख सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा इसमें हम आपको गैस चूल्हा इंस्टॉल करके दे रहे हैं। दोस्तों इसके बाद आपको दिखाना चाहूंगा किचन के अंदर, आपको ऊपर मिल जाता है एक प्यारा सा झूमर, बहुत ही लग्जरी सा झूमर लग रहा है, पूरे किचन की जो खूबसूरती इसको बढ़ा रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। दोस्तों इसके बाद आपको ले चलता हूँ हमारे कॉमन वॉशरूम में। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एकदम 5-star होटल वाली फीलिंग इसमें आएगी आपको। इसके अंदर जो वॉशरूम रेडी हुआ है दोस्तों, जैसे 5-star होटल के अंदर एक होटल के अंदर वॉशरूम होते हैं उस तरीके से रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं ये पूरा सिंक का वर्क है, ये आपका बाथरूम है, पूरा पूरा मिरर का वर्क हो रखा है। ये देखिए दोस्तों ऊपर पूरा ब्रांडेड इसका सैनिटरी वर्क हो रखा है, बहुत ही प्यारा सा इसका वॉशरूम रेडी हुआ है। तो दोस्तों स्वागत है आपका फर्स्ट बेडरूम के अंदर। आप देख सकते हैं इसके अंदर भी आपको स्पेस मिल जाता है, काफी स्पेस मिल जाता है। और सामने की ओर में दोस्तों एक नजर डालिए, बहुत ही प्यारा सा इसमें फॉल्सिंग का वर्क हो रखा है, जो वॉल से लेकर के ऊपर पूरा टेरेस तक हो रखा है। आप देखेंगे बहुत ही प्यारा सा इसके अंदर फॉल्सिंग का वर्क हो रखा है। सामने आपको मिल जाती है एक फैंसी लाइट जो इस रूम की खूबसूरती है बहुत ज्यादा बढ़ा रही है दोस्तों। इसके बाद आपको दिखाना चाहूंगा इसके अटैच आपको वॉशरूम जो मिल रहा है।
दोस्तों ये इसका बैक वॉशरूम है, यहाँ पे आपको पूरा सिंक का ओरिजिन मिल जाता है, यहाँ पे पूरा सैनिटरी का वर्क हो रखा है, ऊपर तक टाइल हमने यूज कर रखी है, ऊपर तक टाइल लगा रखी है। दोस्तों ये था इसका अटैच वॉशरूम, इसके बाद आपको दिखाता हूँ पोल्ट्री के वर्क के सामने, ठीक सामने आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक प्यारा सा वॉलपेपर का डिजाइन, एक वॉलपेपर आपको मिल जाता है, ऊपर एक फैंसी लाइट मिल जाती है, ठीक इसके साथ में आपको मिल जाता है विंडो का प्रोविजन, बड़ी सी आपको विंडो मिल जाती है, जहाँ आप चाहो तो विंडो ऐसी आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम, अब हम चलते हैं सेकंड बेडरूम। तो दोस्तों स्वागत है आपका सेकंड बेडरूम के अंदर। इस रूम के अंदर आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइव स्टार होटल जैसे आपको फीलिंग आने वाली है। नीचे टाइल की बात करते हैं, वुडन की बहुत ही प्यारी टाइल का वर्क इसमें किया गया है। सामने की वॉल पे आप देखेंगे तो एक फाइबर का और एक एलईडी लाइट्स के साथ बहुत ही वर्क अच्छा किया गया है। पूरी वॉल से लेकर ऊपर टेरेस तक ये पूरा वर्क हो रखा है। एक बार मैं चाहूंगा कैमरा मैन हमारे अभिषेक जी पूरे इस रूम को बहुत अच्छे से आपको एक बार दिखा दे, बहुत ही प्यारा सा रूम है ये। दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर तक ये वर्क हो रखा है फाइबर और लाइट के साथ, यहाँ से आपको मिरर का काम करके आप दे रहे हैं साथ ही साथ। ठीक सामने आप इसके साथ देखेंगे तो आपको एक एलईडी पैनल मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप चाहो तो बड़ा सा अपना टीवी इंस्टॉल कर सकते हो। इस रूम के अंदर दोस्तों आपको जो मिल जाती है इसे ठीक एलईडी पैनल के साथ आपको एक अलमीरा मिल जाती है, ये देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया से आपको एक अलमीरा मिल जाती है, जहाँ आपका काफी सारा सामान इसके अंदर आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों इस रूम के साथ बात, इस रूम से दोनों बालकनी अटैच है दोस्तों, बहुत ही प्यारी बालकनी, बड़ी सी बालकनी है ये देखिए दोस्तों, काफी बड़ी इसमें आपको बालकनी मिल जाती है, काफी स्पेस है बालकनी के अंदर, आप देख सकते हैं काफी अच्छा आपको स्पेस मिल जाता है बालकनी के अंदर। तो दोस्तों ये हमारी इसके एक तरफ से बालकनी थी, अब आपको सेकंड बालकनी में आपको दिखा देता हूँ जो इस रूम से अटैच है। दोस्तों ये इस रूम से सेकंड बालकनी आप देख सकते हैं, काफी बड़ी बात दोनों तरफ से आपको बालकनी मिल जाती है। सामने आप देखना चाहेंगे तो बहुत ही प्यारा सा आपको साफ सुथरा रोड मिल जाता है, दोनों तरफ इसके 25-25 का बड़ा सा रोड आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये था हमारा सेकंड बेडरूम, अब सेकंड बेडरूम से आपको मैं एक चीज और दिखा देता हूँ। इस रूम से एक अटैच जो है वॉशरूम भी, हमारा कॉमन वॉशरूम जो है वो अटैच भी है। अब इसमें एक फिल्म का वर्क होना है और यहाँ पे एक लॉक लगना है, तो आपका ये कॉमन और अटैच दोनों वॉशरूम का काम करेगा। दोस्तों इसके आपको मैं दिखाता हूँ थर्ड और लास्ट बेडरूम, जिसके हम एंट्री लेंगे अपने बालकनी एरिया से। दोस्तों स्वागत है आपका थर्ड एंड लास्ट बेडरूम में, हमने इसमें एंट्री लिया अपने बालकनी से, आप देख सकते हैं इस रूम के अंदर भी आपको काफी स्पेस मिल जाता है, ऊपर तक इसे पोल्ट्री का वर्क हो रखा है, बहुत ही प्यारा सा पोल्ट्री का वर्क हो रखा है। दोस्तों इसके अलावा आपको दिखाता हूँ इस रूम में आपको मिल जाती है एक बड़ी सी अलमीरा, अलमीरा के अंदर आपको काफी स्पेस मिल जाता है, आप चाहो तो बहुत सारा सामान रख सकते हो, आपके जो भी आपके घर के कपड़े वगैरह सब कुछ अपने आराम से आ जाएंगे। दोस्तों ये था हमारा बेडरूम का एड्रेस जो मैंने आपको नहीं दिखाया, मैंने एंट्री ले ली थी अपने बालकनी एरिया से, ये इसका एड्रेस है दोस्तों। और ठीक सामने आप देखेंगे फोसनी वर्क के सामने आपको जहाँ मिल जाता है एक बड़ा सा प्यारा सा एक वॉलपेपर मिल जाता है, ऊपर एक फैंसी लाइट मिल जाती है, और इसमें आपको इस रूम के अंदर आपको एक बड़ी सी विंडो मिल जाती है, जहाँ अपना विंडो ऐसी आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरा बहुत ही प्यारा सा लग्जरी सा 3 BHK एल टाइप का फ्लैट, आप लोगों को फ्लैट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस फ्लैट का प्राइस जानने के लिए या कोई भी छोटी से छोटी क्वेरी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मिलता है एक नई वीडियो के, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाजत, नमस्कार।